हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत तिवारी अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे हैं, आज ये जो नाइटी का डिजाइन में बहुत एकदम ए टू जेड आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से पैटर्न करना है। और हमारे इधर जो इस तरह का जो नाइटी का जो पैटर्न हम लोग यहाँ से सेल करते हैं, तो किस तरीके से यानी कि हमारा दिखाने का यही मकसद है। फ्रेंड, हमारे चैनल में आप लोग देखेंगे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो लोग जो पैटर्न खरीदेंगे उसका ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा रेट ज़्यादा लगेगा, मगर मैंने सोचा है बहुत लोग हैं जैसे कि इस तरह का पैटर्न लेकर वो लोग यूज़ नहीं करते, तो उसका पैसा यूजलेस हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है चलो पैटर्न तो ले रहे हैं, साथ ही साथ एक वीडियो भी उसके साथ अगर दे दिया जाए तो उन लोगों को बहुत आसान होगा पैटर्न यूज़ करने में। तो चलिए आज मैं दिखा रहा हूँ इस नाइटी का ए टू जेड, यानी कि फर्स्ट ड्राफ्टिंग दिखाएंगे, उसके बाद हमारा जो पैटर्न है, जो पैटर्न हम सेल करते हैं वो पैटर्न से किस तरीके से इसको कटिंग करते हैं, वो साथ ही साथ स्टिचिंग। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फिर जो लोगों ने ये नाइटी का डिज़ाइन खरीदा है, तो आप लोगों के जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता दूँ, जो हम लोगों को हम लोग यहाँ से जो नाइटी का जो पैटर्न सेल करते हैं, किस तरीके इसी तरह पैटर्न रहता है और पैटर्न के बाद एक ड्राइंग इसी तरह किया हुआ रहता है, ताकि आप लोगों को पता चले यहाँ ये डिज़ाइन है। और उसके बाद मैंने एक पैटर्न आप लोगों को बड़ा पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम आप लोगों को ये जो ट्यूटोरियल है ये स्टिचिंग तक आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या पैटर्न आप लोगों को इसी तरह मिलेगा आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फ्रेंड। और इसके बाद इसका जो छोटा किस तरीके से हम लोग कटिंग, बहुत बड़ा पैटर्न है इसलिए हम लोग इसका ट्यूटोरियल बड़ा में नहीं दिखाते, छोटा में दिखाते। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए एक पैटर्न आप लोगों को इस तरह मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इस तरह दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है। और जैसे कि मैं कैमरा को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये है। और एक पार्ट है स्लीव, दोनों तरह का स्लीव इसमें दिया है, आप बाई कलर इसमें यूज कर सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। और एक बैक पार्ट है, ये है बैक पार्ट, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। ये देखिए, ये बैक पार्ट है। तो इसी तरह पैटर्न हम लोग सेल करते हैं, तो आप बताइए इस पैटर्न को अगर यूटिलाइज करना जो लोग नहीं जानते तो उन लोगों को दिक्कत तो होगा ही ना। तो इसलिए मैंने ये ट्यूटोरियल अभी से, जो लोग पैटर्न खरीदेगा नाइटी का, कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी बेसिक पैटर्न हो, उसे कैसे यूज़ करना है, तो उसका भी वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाएगा साथ ही साथ में, एक ही साथ में आप लोगों को मिलेगा, ताकि आप लोगों को इसे यूज़ करने में बहुत आसान होता है। तो चलिए इसका किस तरीके से कटिंग करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो डिज़ाइन है, आज मैंने इसका ट्यूटोरियल और साथ ही साथ जैसे कि पैटर्न कैसे कटिंग करता है वो स्टिचिंग ए टू जेड आप लोगों को दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। और स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा है, इसका एकदम प्रोमिनेंट पिक्चर मैंने दे दिया है, तो बहुत लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हो। मैंने एक नाइटी के ऊपर एक पैकेज बनाया है, तो वो भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि जितना नाइटी का जो बहुत लोग हैं जो नाइटी का बिज़नेस करते हैं, तो आप लोग मानिए 10-12 डिज़ाइन आपके पास अगर हो जाए तो आपका बिज़नेस जैसे कि ये सीजन चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह चलिए एक ट्यूटोरियल देख कर भी आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप देख लीजिए, मैंने छोटा कागज़ में पेन दिखाऊंगा आप लोगों को। और हमेशा जैसे कि इसे करने के लिए आपके पास एक बेसिक पैटर्न होना चाहिए, किसी के पास अगर बेसिक पैटर्न ना हो तो आप एकदम एक बेसिक पैटर्न आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल में नाइटी का बहुत सारा वीडियो है और ये डिज़ाइन का वीडियो है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर बेसिक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और ये बेसिकली ए लाइन जो नाइटी होता है फ्रेंड, वो उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने तो फ्री हैंड भी एक कर लिया है, मगर ये ए लाइन है। ए लाइन क्या होता है, इस जगह में एकदम सीधा होता है, मगर मैं थोड़ा सा शेप दे देता हूँ इस जगह में, ताकि जो पीछे में जो बेल्ट वगैरह रहता है वो फिटिंग से अच्छा होता है, तो इसलिए मैं दे देता हूँ। हमेशा हमारा जो नाइटी का पैटर्न ए लाइन का होता है, एक शेप इस जगह में रहता है। तो ये है आपके पास एक बेसिक पैटर्न, ये होना चाहिए, नहीं तो आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोग हैं जो डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमारे इधर से बेसिक पैटर्न आप ले सकते हो, और उसके बाद आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना भी सकते हो खुद, ठीक है। और एक बात, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीट,
बहुत लोग हैं यहाँ से पैटर्न खरीद चुके हैं, तो बहुत लोग हैं जो उसे यूज़ कर रहा है, बहुत लोग हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा, जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहेंगे फिर एक बार आप कॉन्टैक्ट करिए हमारे साथ, क्योंकि उसे एक पैटर्न का यूज़ करने के लिए भी आपके पास टैलेंट होना चाहिए। वो अगर ना हो तो हम उसका ट्यूटोरियल आपको सेंड कर देंगे, आप कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके पास इसी तरह एक बेसिक होना चाहिए। बेसिक के बाद एक और एक पैटर्न हम यहाँ से करेंगे। देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ फ्रेंड, छोटा में दिखा रहा हूँ मगर एक ही बार है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद आपको अपना जो गले का जो डेप्थ है वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए, जो इस तरफ भी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरफ हम लोग ड्रॉ तो नहीं भी कर सकते, ड्रेसिंग होल चाहिए तो वो ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली हम इस तरीके से कट कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से कट कर रहा हूँ, उसी तरह ऐसे करके। और ये बन रहा है फ्रेंड बेसिक पैटर्न से। कोई भी चीज़ अगर बनेगा ना तो बेसिक पैटर्न से ही वो बनता है, सब कुछ बेसिक से। ठीक है, और उसके बाद ये गले राउंड शेप नहीं है, थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा इस जगह को किस तरीके से करना है ऐसे। और एक बात मैं बता दूँ, बहुत लोग हमारा चैनल जो फॉलो करते हैं, जो मैंने बहुत सारा डिज़ाइन में इसी तरह फ्री हैंड में दिखाता हूँ। देखिए फ्री हैंड हमारे लिए इजी है मगर आपके लिए इजी नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रहे ये सबसे ऊंचा वाला पोजीशन किधर है। तो मैंने इसका इधर दे दिया है। उसके बाद राइट की ओर से कितना दूरी तक, यानी अंडर से कितना नीचे ये पॉइंट आया है दे देंगे। उसके बाद यहाँ से कितना दूरी तक होंगे वो दे देंगे। देने के बाद आप लोगों को करना है। तो देखिए मैंने देखा है, पिक्चर में देख रहा हूँ, इसका जो ये वाला हिस्सा इसका सीधे में इस पॉइंट रहा है और अंडरआर्म से थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट रहा है, बस मेल हो गया है। और उसके बाद दूसरी हमारा एक पॉइंट है जो हमें देखना है, और वो लगभग हिप जिस जगह में है वो जगह में ही थोड़ा सा ऊँचा हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखना है जो इसका जो मिडिल वाला जो हिस्सा है, मिडिल से कितना दूरी तक है। तो कितना दूरी मतलब हम लोग फर्स्ट इस तरफ करेंगे, तो इस तरफ जब देखेंगे यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से भी चेक करें, तो लगभग हमारे आइडिया है, इसलिए मैंने इस तरफ कर रहा हूँ। और ये देखिए मैंने इस तरफ कर दिया है। और उसके बाद ये कितना दूरी तक है, जैसे कि हमारा नी है, नी से थोड़ा सा ऊँचा तक ये पॉइंट को गया है ऐसे करके, बस हो गया है। और इसके साथ ये वाला हिस्सा ऐसे कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट टाइम देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, ये इसी तरह ही होगा। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने कट कर दिया है। और देखिए मैंने इस पार्ट में अलग से कोई सीम्स नहीं लेंगे, मैं पाइपिंग वगैरह कुछ भी इस जगह में मैं यूज़ कर सकता हूँ, मगर जो कुछ भी करेंगे हम इस पार्ट में ही हम करेंगे। तो इस पार्ट सीम्स लेने का बहुत अलग अलग तरीका है। देखिए आपके पास अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा चलिए अब मैं करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह फिर से मैं कागज़ ले रहा हूँ, मैं दो ही तरीका आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसे करने का। देखिए एक है हमारा जो बेसिक पैटर्न है, फिर से हम इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे हम बिठा देंगे इस तरफ में। और
जिस तरीके से ये गया है हम इसे इसी तरह सीम्स ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने जो दो तरीका बोला हो फ्रेंड, एक जो तरीका है वो है आप इसे इसी तरह कर सकते हो, ये जितना दूर जाना चाहते हैं आप उसी तरह ही ऐसे करके कर सकते हो। मगर इसमें क्या है, आप लोगों को स्टिचिंग करने में बहुत ईजी होगा, ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक शेप आप लोगों को मिलेगा। जब शेप मिलेगा तो इस जगह में आप लोगों को स्टिचिंग करने में बहुत आसान होगा। और दूसरी जो एक तरीका है जो जेनरली हमारा पैटर्न में भी मैं वही तरीका सेव कर रहा हूँ, इसमें क्या है फ्रेंड, इस जगह में मैंने इस तरीका से सीम्स ले रहा हूँ ऐसे करके, इसमें एक्स्ट्रा कोई इधर उधर हमें नहीं चाहिए इतना दूर। अब सवाल आता है ये कितना सीम्स हम लोग ले फ्रेंड, इस जगह में आप लोगों को डबल सीम्स लेना है। डबल सीम्स का मतलब है हम इस तरफ का जो सीम्स है हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसके साथ गला रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही पार्ट में डबल सीम्स ले लेंगे। तो डबल सीम्स ले लेंगे मतलब इसमें हम पाइपिंग वगैरह कुछ भी करें पहले हम इसे पक्का कर ले, और पक्का अगर ना करूँ इसके मतलब है हम अगर फोल्डिंग पाइपिंग करूँ तो इसमें फ्रेंड फोल्ड आपको सीम्स इसमें सिंगल सीम्स लेने से ही काम हो जाएगा। ध्यान में रहे इसमें हम अगर फोल्डिंग पाइपिंग यूज़ करें, फोल्डिंग पाइपिंग क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये फोल्ड नहीं होता है, वो फोल्ड होता है हमारा पाइपिंग फोल्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, इस जगह में सीम्स नहीं जाता है। मगर जो लोग इसे इस तरह फोल्ड करके करना चाहते हैं तब आप लोग इस जगह में डबल सीम्स लेना, अदरवाइज आप सिंगल सीम्स आप लोग ले सकते हो। तो चलिए मैं इसे पाइपिंग की तरह दिखाना चाहता हूँ, कोई फोल्डिंग पाइपिंग यूज नहीं करूँगा। तो इसके लिए हम इसे डबल सीम्स ले लिया है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निक दिखा दूंगा जब स्टिचिंग दिखाऊंगा, तो क्या मैं बता रहा था जो पाइपिंग वगैरह डबल पाइपिंग वगैरह, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इस जगह में फ्रेंड डबल सीम्स इसका मतलब है 0.75 से लेकर 1 इंच तक आप देर इंच भी आप ले सकते हो, क्योंकि बाद में आप लोगों को शॉर्ट ना हो, बस आप चाहे 1 इंच ले सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ले लिया है। ये बेसिक पैटर्न हमें नहीं चाहिए, और ये देखिए जब ये कंप्लीट होगा वो इसी तरह ये बैठेगा। अब सवाल होता है फ्रेंड, इसका जो हम सिलाई करें, जो पहले वाला जो टेक्निक था उसमें क्या होता है, हमें इस जगह में गाइड मिल जा रहा है और इधर हमें कोई गाइड वगैरह नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाला हिस्सा है ना, तो इसके साथ आप एक ड्रॉ लाइन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, तो आप लोगों को वो पार्ट है ना वो एकदम सही तरीके से मेल हो जाए, इस जगह में ये वाला और इस जगह में ये जगह, ठीक है। ये आप अगर देंगे तो इस पैटर्न में हम लोग जितना दूरी, और साथ ही साथ इसका जो नेक वाला हिस्सा है वो भी आप लोगों को एक मार्क करना है किस जगह में हम लोग करेंगे इस जगह में। तो जैसे इस पॉइंट को हम लोग फिक्स कर देंगे, तो ये देखिए ये पॉइंट जैसे फिक्स हो जाएगा और इसके साथ ये हम मिला दें, मैंने लाइन दे दिया है इसके गला में ये वाला हिस्सा, इस जगह में ये वाला हिस्सा दे दिया और बाकी वाला हिस्सा अंदर की ओर चले जाएंगे। बस यही एक तरीका है। और दूसरी जो तरीका है फ्रेंड, आप लोगों को जो बेसिक पैटर्न आप लोगों को मिलेगा तो उसके साथ एक बार आप ज़रूर शॉर्टिंग करके आप ले लीजिएगा इसी तरह करके, जो कैसे हमें करना है ऐसे करके ऐसे, और उसके बाद ये वाला हिस्से को ऐसे करके, ठीक है। अदरवाइज आप लोग एक काम कर सकते हो, इसमें ड्राइंग लाइन भी दे सकते हो, इसमें जो हमारा कंप्लीट होने के बाद इस जगह में वो लाइन हमें मेल करना है इसी तरह करके। और इस पार्ट में जब सीम्स हो जाएगा तो सीम्स होने के बाद इतना कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो आप इस पॉइंट को इसी तरह ड्रॉ करके भी आप रख सकते हो। बस ये पैटर्न स्टिचिंग करने का ही एक तरीका। तो चलिए और स्लिप भी मैं दिखा दूँ, छोटा सा काम है, स्लिप भी दिखा दूँ मैं। मानिए फ्रेंड ये हमारे पास एक बेसिक स्लीव है, ठीक है। तो बेसिक में हम इसे जब करेंगे ऐसे करके, बहुत ही इजी तरीका है ऐसे करके,
उसके बाद जो ब्लैक वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, वो कितना दूरी तक है, हम इसी तरह, ठीक है। इसे भी करने का दो तरीका है। एक है फ्रेंड जो ये वाला जो पार्ट है, आप पूरा स्लीव, जैसे हमारा बेसिक स्लीव है उसके हिसाब से आप पूरा ले लीजिए, इस डिज़ाइन वाला पार्ट को पूरा ले लीजिए। उसके बाद एक काप की तरह इसे आप कर दीजिए, जिस जगह में आप जॉइन रखना चाहते हैं, जैसे जिस जगह में मैंने कट किया है उसी जगह में आप लोग अगर ये ब्लैक और रेड वाला हिस्सा मेल होगा तो रखना चाहते हैं, तो दोनों पार्ट में हाफ इंच सीम्स लेना है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप इसे पूरा करके ले सकते हैं और इसके हिसाब से काप बिठा कर भी आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज ये दोनों अलग अलग पार्ट, इस जगह में थोड़ा सा सीम्स, इस जगह में थोड़ा सा सीम्स लेके ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, इसमें कपड़ा कम लगेगा। जो सही लगे आप लोग उस हिसाब से करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। और हमेशा ध्यान में रहे फ्रेंड, इस तरह अगर कट वाला हिस्से को आप लोग करें तो आपके पास बेसिक होना चाहिए, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ने के बाद ये बेसिक से आप लोगों को एक बार चेक करना है, बस और कुछ नहीं। और जो टेप वगैरह रहता है बांधने के लिए, वो तो बहुत लोगों को पता है किस तरीके से करते हैं, चलिए वो भी दिखा दूं मैं। ये मानिए हमारा एक फोल्ड कपड़ा है, हम लोग ऐसे करते हैं इसे, ठीक। ये वाला हिस्सा इसी तरह ही फोल्ड में हम लोग करते हैं। तो इसका मेजरमेंट है, आप मानिए इधर आप 16 इंच आप लोग लेना चाहते हैं तो लीजिए। उसके बाद इस जगह में आप जैसे कि 3 इंच एक्स्ट्रा आप लोग फोल्डिंग में ले सकते हो, उसके बाद सीम्स होके चले जाएगा। जो मेजर में बता रहे हो वो पैटर्न मेजरमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए, मैंने आप स्टिचिंग दिखा रहा हूँ इसका, तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग इसी तरह ये जो मैंने फोल्डिंग पाइपिंग जो कट किया है ना, मैंने ओरोपोटी का कट किया है, बहुत लोग बायर्स बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो इसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसी तरह फोल्डिंग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ कच्चा ही रहेगा, ठीक है, आप देखते रहिए। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा ये जो फोल्डिंग पाइपिंग है वो तैयार हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो नाइटी का डिज़ाइन है, इसमें हम किस तरीके से कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, आप लोगों ने जो डिज़ाइन देखा है ना, डिज़ाइन का लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, तो वो पार्ट में हम फोल्डिंग पाइपिंग किस तरीके से कर रहा है, नीचे से लगा के हम ऊँचे की ओर दे देंगे, तो ठीक है। ये हमारा सीधा साइड है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसी तरह नीचे से हम इसका लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट में ही रहेगा, हम नीचे पाइपिंग लगा के सीधे की ओर हम घुमा देंगे, ओके। तो देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, इसके लिए हम नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फोल्डिंग पाइपिंग नीचे से लगा रहा हूँ मैं, और आप सीधा तरफ से भी आप लोग कर सकते हो। सीधे की ओर से करेंगे अच्छा होगा, और फ्रेंड एक बात आप सुन लीजिए, जो हमारा जो ये फोल्डिंग के ऊपर एक सिलाई है, आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, इसमें एक सिलाई है, तो जब मैं लगा रहा हूँ इसे, तो ये जो सिलाई है ना, इसके लेफ्ट में से आप लोगों को स्टिच देनी है, ठीक है, ध्यान में रहे। और हमेशा आप लोगों को जैसे कि सीधा की ओर से आप लोग अगर कर पाए तो करेंगे, मगर उल्टा से आप लोग करेंगे तो बहुत बढ़िया फिनिशिंग होगा। सीधे से भी होता है, मगर मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग उल्टा करके फोल्डिंग पाइपिंग लगाए, कोई भी नाइटी नहीं।
ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान में रहे, ये जो फोल्डिंग है इसे करने का बहुत अलग अलग तरीका। देखिए मैंने जो वीडियो में जब बता रहा था फ्रेंड, जो ये है हमारा लेप की ओर से हम करेंगे, तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोला था फ्रेंड, ये देखिए जब मैंने ये लगा रहा तो इसके एक सीम्स थे, तो इसमें एक तरीका है जैसे कि हम इसी तरह करके, यानी कि ये बॉडी वाला हिस्सा वो फोल्ड हो रहा है, फोल्ड होके इतना दूर ऊपर से जा रहा है। इसका मतलब है आपके पास अगर कपड़ा कम हो, अब ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास कपड़ा है तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी वाला हिस्सा है वो जैसा है वो सीधा रखेंगे, सीधा रख के हम इतना सा करेंगे। ठीक है, हम ये टेक्निक करेंगे। और इसके लिए क्या है, जो राइट तरफ जो पार्ट है वो हाफ इंच सीम्स ले लेंगे, मगर हम लोग अगर ये डबल करके दे देंगे, यानी कि इस बॉडी को फोल्ड कर देंगे, तो उस तरफ डबल सीम्स लेना है। बस यही बात मैंने उस वक्त आप लोगों को बता रहा था। तो चलिए मैंने ये सीधा करूँगा, करके ऐसे करके लूँगा, क्योंकि मैंने जो फोल्डिंग पाइपिंग थोड़ा सा थिकनेस कट किया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आ रहा है, ये देखिए। और इसी तरह जैसे गले का फिनिशिंग है राउंड, उसी तरह ही आपको वो फिनिशिंग करके करके देना है। इसी तरह ही जो जितना दूर लगा है पूरा फिनिशिंग करना। तो फ्रेंड ये देखिए, ये इस तरफ का हमारा जो फोल्डिंग पाइपिंग है, देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग है, वो एकदम तैयार हो गया है। ठीक है, जैसा है देखिए पूरा पार्ट में दिखा रहा हो, ये देखिए पूरा मैंने पाइपिंग लगा दिया एकदम जैसे मैंने कट किया है उसी तरह। उसके बाद हमारा जो दूसरी वाला जो राइट की जो पार्ट है, उस पार्ट में भी हम सिर्फ गले में हम लगाएंगे, नीचे की ओर हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ गले में लगाएंगे। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा नेक लाइन है, तो इसे भी उल्टा करके हम लगाएंगे, देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग ये होगा। हाँ, और हमेशा ध्यान में रहे जो फोल्डिंग पाइपिंग में यूज कर रहा हूं ना, उसका लेप से आप लोगों को स्टिच देना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, उतना ही करना है यहाँ से उतना दूर। और उसके बाद वही सेम तरीका, हम इसके ऊपर लॉक दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इसका सिर्फ हमें नेक में लगाना है, और उसके बाद हम इसे फिटिंग्स करेंगे। देखिए किस तरीके से फिटिंग्स कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि मैंने जब बहुत लोगों को पैटर्न भेजा है, तो जब मैंने इसका ट्यूटोरियल यानी कि स्टिचिंग वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत लोगों को शायद इसमें दिक्कत हो रहा है, और जो पैटर्न मैंने भेजा है उन लोगों को शायद दिक्कत होता है, वो लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उन लोगों को पता नहीं चलता। तो इसमें जो ये डिज़ाइन पैटर्न जिन लोगों ने लिया है हमारा इधर से, तो आप लोगों को भी शायद इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आया है आपके पास, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इस पार्ट हम लोग अगर इस तरह से डिज़ाइन करके कट करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा ये ओड़ोब हो रहा है, और जैसे कि फोल्डिंग पाइपिंग हम लगा देंगे तो फ्रेंड देखिएगा इसी तरह थोड़ा बढ़ जाएगा इस पार्ट।
ठीक है। तो नीचे पार्ट मैंने इसके साथ नीचे बैक वाला पार्ट को सेटिंग कहते हैं। आप लोगों को लगेगा जी ये पार्ट बढ़ गया है, ये पार्ट छोटा हो गया, मगर छोटा नहीं है फ्रेंड, एक ही बात है, क्योंकि ये ओरोप के लिए थोड़ा सा बढ़ गया है और ये जो है इसके अंदर सीम्स दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से लगाने में आप लोगों को बहुत सारा दिक्कतें हो सकती है, इसलिए मैंने और एक तरीका मैंने आप लोगों को बोला है। जैसे कि ये वाला जो पैटर्न है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न को यहाँ से लेकर इस तरफ एकदम इस तरफ कर देंगे, और यहाँ से लेकर आप बढ़ा के जितना भी काम हो आप यहाँ से इतना कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ ये वाला जो पैटर्न है हम लोग क्या करेंगे उस पर सिर्फ इसके साथ ये इसके ऐसे करके इस जगह में हम लोग मेल करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड इस जगह में कोई सेंटर कुछ भी नहीं करना है, तो फिर भी आप लोगों को लगे तो आप लोग इसी तरह एक सेंटर कर दीजिएगा ऐसे करके, ऐसे करके। देखिए गले का ठीक रखना है, किस तरीके से मैंने चौक ले रहा हूँ इसी तरह, ये जो स्टिचिंग लाइन देना है ना फ्रेंड वो मैंने इस जगह में फिक्स कर रहा। और ये देखिए इस कपड़ा को जैसे कि रिंकल्स वगैरह इसके अंदर है तो वो सब ठीक ठाक रख के आपको इसी तरह एक स्टिचिंग लाइन देना है। लाइन देके आप इस पार्ट को बहुत आसानी से आप लोग फिनिश कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके। और साथ ही साथ ध्यान में रहे जो इस तरह पार्ट जिन लोगों के पास ये जैसे कि पैटर्न का पार्ट गया है फ्रेंड, आप लोग इसी तरह ही आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस पार्ट को बिठा के आप लोग कर लीजिएगा और बाद में जो कुछ होगा आप यहाँ से सॉल्व आउट हो जाए। जितना भी बड़ा हुआ है हम या इस जगह में हम देख रहे हैं, तो जितना सीम्स इस जगह में गया है हम लोग अगर इसे इस तरीका से मेजरमेंट करो तो एकदम इक्वल बन जाएगा। इतना दूर से सीम्स अगर लेंगे तो एकदम इक्वल हो जाएगा। ये देखिए मैंने उसके बाद में देख रहा हूँ हमारा इतना परफेक्टली मेजरमेंट कटा हुआ है, सभी जगह में इसी तरह जा रहा है। तो जिस जगह में नैरो हो रहा है इसके मतलब कपड़ा की वजह से हो रहा है, तो हम लोग इसलिए ये नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इस तरह ड्राइंग कर रहे हैं कितना दूरी से वो लाइन जाएगा। एक निशान में इस जगह में दे रहा हूँ ऐसे करके, एक निशान दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए मैंने ये मशीन में कर रहा हूँ, करके पूरा मेल कर रहा हूँ, और साथ ही साथ फ्रेंड इस जगह में जैसे इसे कर रहा हूँ साथ ही साथ इस पॉइंट को भी एक ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके मतलब है इस जगह में ही हम इसे बिठाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ये पार्ट अगर लगे छोटा हो जाए तो हम थोड़ा सा खींचेंगे इस पार्ट को, हम इसके साथ मेल कर दें, क्योंकि ये जो ओरोप वाला है ओरोप की वजह से ये बढ़ गया है, ऐसा होता है। मगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैटर्न हम बना रहा है तो इस पैटर्न में आप लोग बाद में जैसे कि आप लोगों को इस पैटर्न का और भी अपडेट करके अब ट्यूटोरियल जो लोग देखेंगे आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। मैंने इस पार्ट में एक पॉइंट दे दिया है और इस पार्ट में एक लाइन दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। और पैटर्न में भी आप लोग इसी तरह दे सकते हो, अदरवाइज जो साइड वाला हिस्सा इस जगह में दे सकते हो इस जगह में दे सकते हो। और ये जो पैटर्न है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इस पैटर्न को आप इतना बढ़ा दीजिए और यहाँ से इतना छोटा करके बढ़ा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तब इतना शॉर्टिंग वर्टिंग नहीं करना है, डायरेक्टली अब इसी तरह बिठा देंगे तो ये बन जाएगा, ओके। तो और यहाँ से ना लेकर आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, और उसके बाद इस जगह में एक सेंटर कर सकते हो आप, ताकि इस पॉइंट के साथ इसे जैसे मेल हो जाए और इसके साथ इस पार्ट में भी एक सेंटर कर दीजिए तो दोनों पार्ट मेल होगा वही जगह। इसी तरह बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो। तो चलिए अब मैंने ड्रॉ कर लिया है इसमें, अब मशीन में डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैं इसे किस तरीके से कर रहा हूँ, और ये देखिए फ्रेंड एक चीज आप लोग ध्यान लगा दीजिए फ्रेंड, मैंने ये जो फोल्डिंग पाइपिंग है ना, तो फोल्डिंग पाइपिंग में मैंने इस तरह लॉक दिया था, तो सेकेंड टाइम मैंने इस तरह से कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसका भी एक डायरेक्टली इस जगह में लॉक दे सकते हो, अदरवाइज ये जो स्टिचिंग कर रहा हो आप इसके इधर से भी आप कर सकते हो। तो इधर से करेंगे तो क्या होगा, इस जगह में थोड़ा सा गैपिंग दिखेगा, इसलिए मैंने इस तरह से कर रहा हूँ। आप इस तरफ भी उसी तरह का स्टाइल आप लोग कर सकते हो। और हमेशा ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा खींचा हुआ रखेंगे नीचे वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट पहले से ही बड़ा हुआ है।
और थोड़ी दूर जाते जाते आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसी तरह जैसे मैं देख रहा हूँ हमारा पूरा मेजर सही होगा कि नहीं होगा, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे हम ठीक तरीके से हम खींच के इसे हम ठीक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे, इसी तरह चेक कर लेंगे। मैंने आइडिया कर लगाया, आइडिया कर दिया है, और उसके बाद उसी तरह करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए हमारा स्टिचिंग करना हो गया है इस जगह में। तो अब इसके बदले में आप जैसे कि बहुत अलग अलग तरीका, जो पैटर्न मैंने दिया है इसे भी आप रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो उस पार्ट में जो डबल सीम्स दिया है आप लोग एक बार तय कर लीजिएगा, ये इस तरफ से भी होगा, होगा नहीं ऐसा नहीं है, मगर आप लोगों को ध्यान में रहे पैटर्न में सीम्स कितना है वो एक बार आप लोग घर में, जितना लोग पैटर्न हमारे इधर से खरीद रहे हैं, तो आप लोग एक बार एक जैसे कि नाइटी को पहले आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप प्रोफेशनली आपको जैसे कि काटना है। ओके, तो चलिए नीचे अब मैं दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड उसके बाद देखिए मैंने इस ये जो बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट में भी आप उल्टा करके लगा रहा हूँ, उसके बाद पलट के हम उसे सीधा कर देंगे फोल्डिंग पार्ट में। और उसके बाद फिर से मैंने पलट के सीधे की ओर से, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा, ये बॉडी पार्ट को एकदम सीधा रखेंगे, उसके बाद वो हमारा जो फोल्डिंग जो पाइपिंग है उसे हम इसी तरह फोल्ड करके हम उसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे, फिर से पूरा सामने का पार्ट और बैक पार्ट हम पूरा चेक करेंगे, और चेक करके अगर ठीक ठाक रहे उसके बाद हम सिलाई करेंगे। और फ्रेंड हम फिटिंग्स करने जा रहे हैं, उससे पहले ये इसे करना पड़ेगा जो टेप बोलते हैं हम, ये देखिए इसी तरह हमें टू पीसेस चाहिए, मैंने उल्टा करके पहले स्टिच कर रहा हूँ, बाद में हम इसे पलट देंगे तो एकदम सीधा। ठीक है फ्रेंड, और इसे पलटना हम दिखा रहे हैं उधर शीक से करेंगे, हम लोग हमेशा जो छत्ती का जो शीक होता है उसी से हम लोग करते हैं। आप अपने हिसाब से अपने तरीके यूज़ कर सकते हो, धागे से भी कर सकते हो, नॉर्मली नीडल जो होता है उसी से कर सकते हो। ठीक है, हम लोग इसी तरह करते हैं, बहुत सिंपल है। और ये जो नाइटी का जो ट्यूटोरियल मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड, बहुत लोग है जो यहाँ से पैटर्न हमेशा लेते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं ये बना रहा हूँ। और साथ ही साथ बहुत लोग है जो नाइटी सीखना चाहते हैं, तो आप भी यानी कि आप भी यहाँ से बहुत आसानी से सीख सकते हो। उसके बाद इसे हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और दोबारा आप लोग ये कोनाई को आप लोग अगर अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो फ्रेंड आप लोग क्या करेंगे, एक धागा होता है वो धागा आप लोग दे सकते हो, और धागा खींच के आप लोग बहुत आसानी से फिनिश कर सकते हो। अदरवाइज़ जो नॉर्मली इसी तरह जो शीक देकर इसका कोनाई को आप अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, उठा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इसे पूरा करके उसके बाद प्रेस करके इसका फिनिशिंग में दिखा रहा हूँ, और उसके बाद हम बॉडी में लगा देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है इसे, ठीक है, आयरन कर दिया है, ये देखिए कितना बड़ा ये फिनिशिंग आ रहा है, और हमारा वही पैटर्न से मैं बना रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी देखिए
मैंने ये जो टेप को भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने पलट के इसको प्रेस कर दिया है। देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग बना है। तो फ्रेंड पैटर्न एकदम एग्जैक्टली है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घर में वो पैटर्न किस तरीके से सीम्स उसके अंदर दिया हुआ है, आप जिस तरीके से लेबर को बताएंगे उसी तरह ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सब आप लोगों को पहले चेक करना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सब तैयार है, अब हम पूरा फिटिंग्स करेंगे मशीन में। और फ्रेंड हम लोग फिटिंग्स करने जा रहा है, उससे पहले हम स्लीव को भी कर लेंगे, क्योंकि जो रेडीमेड जो नाइटी का जो स्लीव होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप से सिलाई होता है, और वही तरीका। और स्लीव में भी आप देख लीजिए किस तरीके से कर रहा हूँ। मैंने बोला था आप लोगों को जो हाफ अप सीम्स, मैंने उसी तरह ही किया है इस जगह में। और जो मैंने पैटर्न दिखाया और इस जगह में थोड़ा सा अलग कर दिया फ्रेंड, ये हेमिंग सिस्टम होता है ये वाला जाएगा, मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया क्योंकि ये हेम का तो इस तरह जाएगा। और उसके बाद एक लॉक सिलाई हम दे देंगे इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट हाफ, उसके बाद दोबारा हाफ करके मैंने इसे फिनिश कर दिया। और आप लोग अगर इस जगह में फ्रेंड जो पाइपिंग लगाएंगे ना, तो पाइपिंग जब आप लोग लगाएंगे फोल्डिंग पाइपिंग लगाएंगे तो इस हिस्से को पैटर्न में नहीं करना है, सिर्फ इतना सा ही काम बन जाएगा, बस यहाँ से फोल्डिंग पाइपिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए हमारा दोनों स्लीव तैयार हो गया है इसी तरह ही, ठीक है, इसी तरह ही तैयार हो गया है। ठीक है, बाई कलर मैंने यूज़ कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो बेसिक जो नाइटी है उसको पूर जुड़ कर ये स्लीव को हम लगा देंगे। अब देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह पूट हम जुड़ लेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड हम लोग कितना सीम्स इसमें लेते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आप एक पीस तैयार करके लीजिएगा, तो उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ इतना सीम्स है पूट में, साइड में। और हमेशा इस जगह में टाक देना है आप लोगों को, ठीक है, सिंगल करेंगे सिंगल, डबल करेंगे डबल, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम स्लीव को लगा देंगे। तो स्लीव लगाने के लिए स्लीव में एक सेंटर भी करेंगे। इसी तरह करके हम दोनों तरफ का स्लीव हम लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड। और स्लीव में हम लोग एक सेंटर कर लेंगे, बस यही फर्क है। उसके बाद सीधा करके स्टिच कर दे, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है।
तो फ्रेंड आप लोग अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत देर है, बहुत देर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो शायद भूल गए हैं आप लोग अभी तक अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और कर लीजिए एक बार। और जो लोग अभी तक नहीं किया है तो, और बहुत लोग है जो इससे रिलेटेड जानकारी सीखना चाहते हैं, तो आप लोग उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हमारा चैनल और ये जो वीडियो है उन लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। और स्लीव में हम लोग सेंटर कर लेंगे फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह आपको स्लीव में एक सेंटर करना है। सेंटर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा सिलाई करने के बाद बहुत। और ये मैंने सेंटर नहीं किया, आप लोगों को जानबूझकर ये गलतियां करके दिखा रहा हूँ, क्या परेशानी हो सकता है। तो ये देखिए इस जगह में हमारा थोड़ा सा दिक्कतें हो रहा है, तो ऐसा ही आप लोग फील करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर सेंटर करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक तरफ मैंने दिखा रहा हूँ, उस तरफ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह उस तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे, स्लिप को लगा देंगे पहले। तो रेडीमेड में इस तरह होता है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा हिस्सा हम लोग नहीं लेते हैं। और ऑर्डरी में आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे, बहुत लोग ऑर्डरी करते हैं, ऑर्डरी ब्लाउज वगैरह करते हैं, कुर्ती वगैरह करते हैं, साइड में इसी तरह कपड़ा रख के सीधा सिलाई करते, आप लोगों को उस तरह से नहीं करना है। ये देखिए मैंने इस तरफ भी लगा दिया है और उस तरफ तो मैंने पहले से आप लोगों को दिखा दिया है। आप देखिए इसे हम इसी तरह पलट लेंगे, ऐसे करके मैंने उल्टा कर लिया है उसे। उसके बाद हम एकदम स्लीव से इधर से स्टार्ट करेंगे, वो तक हम ख़त्म कर देंगे। हाँ ऐसे। और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान में रहे फ्रेंड, ये वाला जो स्लीव का जो हिस्सा है ना, ये वाला और इस तरफ का ये वाला हिस्सा एक तरफ आप देंगे तो अच्छा होगा। अब सवाल होता है कौन सी तरफ देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए हमेशा अगर आप लोग इस तरफ देंगे तो अच्छा होगा स्लिप की ओर से, क्योंकि हमारा बॉडी हैंड बाहर की ओर, इसलिए बाहर की ओर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये आपकी मर्जी है, छोटा मोटा है करें तो अच्छा है। और इस जगह में मैंने टेप देने का एक जगह दिया है, ये देखिए फ्रेंड, इस जगह में एक ड्रॉ करके दिया है ताकि वो अंदर में रहेगा। इसी तरह ही वो देना है आप लोगों को, ठीक है, वो अंदर में रहेगा, अब देते जाएगा बस अंदर की ओर हम छोड़ देंगे उसे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह जिस जगह में हम देंगे, और इस पार्ट में भी मैंने सेंटर कर दिया है। और ये जो साइड में जो मार्जिन है ना, तो हमने पैटर्न में किस तरीके से दे रहा हूँ, इसमें जैसे कि मैंने 0.30 हम लोग हमेशा जो सीम्स लेता हूँ तो उसी तरह ही मार्जिन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने पैटर्न यहाँ से भेज रहा हूँ उसमें भी कितना सीम्स है फ्रेंड, एक बार आप पहले स्टिच कर लीजिएगा हर पैटर्न को, आप तुरंत आप अपना जो होलसेल लॉट आप बांच आप लोग कट कर रहे हो वो कट नहीं कर रहे, पहले एक पीस इसी तरह जैसे मैंने ट्यूटोरियल दिखा रहा हो ये ट्यूटोरियल देखकर एक पीस सब पैटर्न से आप कट कर लीजिए, तब आपका जितना कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आसानी से लेबर को समझा दीजिएगा बस, ठीक है। और फ्रेंड एक बात आप लोगों को बता दूं, जैसे कि इतना दूर से आप लोगों को वो जगह में एंड तक एक चेक करना है, कभी कभी होता है क्या पार्ट बड़ा छोटा होता है, जैसे कि ये एक नेचुरल सिस्टम है, आप जैसे कि कॉटन कपड़ बोलिए कुछ भी हो सिलाई करेंगे तो एक पार्ट बढ़ता है, तो वो ध्यान में रहे, हमने चेक कर लिया है वो सही है। चलिए आप सिलाई कर दीजिए।
और इसके बाद एक तरीका है, आप अभी आप लोग जैसे कि नीचे वाला हिस्सा पूरा कपड़ा को फोल्ड करके कर सकते हो, अदरवाइज इस तरफ सिलाई करके भी आप लोग कर सकते हो। तो मैंने क्या करूँगा, इस तरफ सिलाई करके बाद में वो रोल कर दूंगा, बटन वाला जो फोल्डिंग करेंगे हम वो रोल कर देंगे। तो ये हम नहीं दिखाएंगे, ये वाला हिस्सा भी सेम तरीके से हम करेंगे। तो ये स्टिच करके बटन में जब करेंगे उस वक्त फ्रंट हम दिखा देंगे, ठीक है। ये देखिए सेम तरीका है, मैंने इसी तरह ही करूँगा इसे। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने नीचे किस तरीके से कर रहा हूँ, अब देख लीजिए एक बार, एक फोल्ड उसके बाद दोबारा फोल्ड। तो ध्यान में रहे हमेशा, आप लोग बाद में जब करेंगे तो ये सिमिलैरिटी जैसे कि इनविजिबल हो जाता है बाद में, तो आप लोगों को ध्यान में रखना हमेशा, मैं जैसा भी जाऊँ फर्स्ट हाफिंस उसके बाद फोल्ड, बस इसी तरह ही पूरा हम रोल कर देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा जो लाइन जो डिज़ाइनर का जो नाइटी है, डिज़ाइनर नाइटी वो तैयार हो गया है, ठीक है। तो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, यही हमारा जो पैटर्न से मैंने तैयार करके आप लोगों के सामने एकदम लाइव दिखा है, यही पैटर्न में सेल कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो क्या है, पैटर्न यूज़ करने का छोटा मोटा टिप्स होता है, वो आप लोगों को पता नहीं है, मगर अभी से आप लोगों को क्या है, जो लोग पैटर्न खरीदेगा तो उनके साथ उसका ट्यूटोरियल हम दे देंगे, ताकि आप लोग बहुत आसानी से उसका जो छोटा मोटा जो टिप्स है आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये देखिए सबसे बात है, देखिए बहुत लोग हैं जो नाइटी में इसी तरह स्लीव का फिटिंग्स नहीं आता। ये देखिए बॉडी के साथ कितना अच्छा इससे मैच हुआ है, यहाँ से कितना लेवलिंग हुआ है, देखिए कोई भी रिंकल्स इस जगह में नहीं है। ये गला देखिए कितना अच्छा इसका गला बैठा है, उस तरफ का स्लीव देखिए बहुत बढ़िया है। और ये है जो मैंने जो इसका जो टेप लगा दिया है, तो ये देखिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा जो नाइटी है, जो एलाइन जो नाइटी है, जो डिज़ाइन मैंने अभी तैयार किया है, तो देखिए पहनने के बाद इसी तरह ही दिखता है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए पीछे मैं घुमा कर भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। तो आप लोग अगर इसे ऑर्डर देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो हमारा जो पैटर्न खरीदने का जो अलग से जगह है वो जगह में भी आप ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में आज के। और देखिए फ्रेंड नाइटी में मैंने इस जगह में बहुत, ये तो रेडीमेड साइज़ है, इसी तरह लूजिंग वगैरह रहता, नहीं तो जो नाइटी नहीं पहनेंगे, मगर किसी को अगर फिटिंग्स चाहिए तो घर में वो लोग सेटअप कर लेगा, मगर यही अगर आप लोग ऑर्डर ही करेंगे तो थोड़ा सा अलग आप लोग ये पैटर्न लेकर भी आप लोग कर सकते हैं। हमारे पास जितना नाइटी का जो बेसिक पैटर्न है इसी से भी इसे लेकर भी आप लोग बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए गले का जो फिटिंग्स है, देखिए कितना बढ़िया इसका फिनिशिंग आया है, देखिए ठीक है, कितना बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, और फ्रेंड जिन लोगों को हेल्प थोड़ा सा भी हुआ है तो फ्रेंड आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।